अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, मतलब ऐसी चीजें हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। इस संसार के अंदर हमें मालूम है कोई चीज अगर बनी है, जैसे मान लीजिए हमने लॉ बनाए, न्यूटन का लॉ बना हुआ है, गति के नियम बने हुए हैं आपके, और मोशन के जो लॉ हैं, तो उन सभी के भी कहीं ना कहीं अपवाद देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो तो ग्रेविटी का जो लॉ है वो ब्रेक डाउन होता है हमारी पृथ्वी पर, तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ ब्रेक डाउन होता है। दरअसल हमारे ही देश में कई ऐसी जगह मिली, एक जगह मिली है जहाँ पानी उल्टा चढ़ता है। अगर आपने कभी यूट्यूब ने मतलब जो वीडियो है बनाते हैं लोग, तो वहाँ देखा हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें हैं तो उनके नियम हैं, उनके कुछ अपवाद भी इस संसार में अंदर हमेशा मौजूद रहे हैं। तो ऐसे ही जो तुम्हारी जो सेल थ्योरी थी जो दी गई अब तक मॉडर्न से लेकर के सेल्डन और स्वान वाली, उनके भी अपवाद हैं। तो एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी के लिए, अपवाद क्या है? तो सबसे पहला है देयर आर द मेनी द स्मॉल सेल विच डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो सेलें होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जरूर ही होता है, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्शन में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म जो है पाए गए, जिनके अंदर सेलों के अंदर जिनकी सेलें होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो ऐसे बैक्टीरिया और जो माइक्रोप्लाज्म है वो सेल थ्योरी जो अब तक पढ़ी थी उनके लिए अपवाद है। दूसरी बात, वायरस डू नॉट हैव द सेल स्ट्रक्चर। अब तक तो हमने ही पढ़ाया, सेल थ्योरी में था आपको पढ़ाया कि जो सेलें होती हैं जिनकी सेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो सेल होती है उसी के अंदर जीवन होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वायरस जो होता है, वायरस की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल भी सेल से मैच नहीं खाती है, उसके बावजूद भी ये जीवन की कुछ क्रियाएं दिखाता है। कैसे दिखाता है? मान लो कि जैसे वायरस अगर मिट्टी में पड़ा हुआ है तो वो एक निर्जीव जीव की तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही ये वायरस जीवित सेल के संपर्क में दोबारा आता है, फिर से मान लो किसी जीवित सेल के संपर्क में ये जब आ जाता है तो फिर से ये दोबारा जीवित हो उठता है। तो इसलिए जो वायरस होता है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे, सेल से, फिर भी उसके अंदर जीवन है। तो एक तरीके से अपवाद हो गया। उसमें कहा गया था सेल थ्योरी के अंदर कि जो सेलों के अलावा किसी में जीवन होता ही नहीं है। अगली चीज, मैमेलिया आरबीसी, मैमेलियन जो ग्रुप है, सॉरी मैमेलियन आरबीसीज, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, मैमेलियन ग्रुप के जो लोग हैं वो हम ही हैं। तो हमारी जो सेलें होती हैं रेड ब्लड सेल, उनके अंदर कुछ खास बात ये है कि न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ही जो सीबी ट्यूब होती हैं, सीबी ट्यूब वाली जो सेल होती हैं प्लांट के अंदर, सीबी ट्यूब जो होती हैं वो चलने की तरह होती हैं, उनका मेन काम होता है छोटे छोटे छेद होते हैं तो फिल्टर का काम करती हैं, और साथ में पानी को पास वगैरह जो मिनरल के साथ जो पानी जा रहा होता है उसको पास होने देती हैं। तो सीबी ट्यूब के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये भी एक अपवाद हो गया। दूसरी बात, मैनी फंगी एंड द एल्गी हैव द सेल, बहुत से जैसे फंगी हैं आपका, एल्गी हैं, उनके अंदर सेलें पाई जाती हैं दैट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो ऐसी ये सेल होती है इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो हमने पढ़ा था सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियाई होता है, पर यहाँ देखने को मिल रहा है कुछ ऐसे भी सेल हैं, फंगी सेल हैं, और आपका जो फंजी है, फंगी पढ़ो या फंजी, वो भी मैन मतलब ये है कि आप स्पेलिंग सही याद रखना, FUNGI। तो सेल जो होती है आपकी उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आपके सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको लिखना पड़ता है, तो आप लोगों को इन्हें अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले कुछ मीनिंग चीजें बता दूंगा मीनिंग सेशन में। तो मैंने इस्तेमाल तो बहुत साधारण सा वर्ड है, आपको मालूम है बहुत ही छोटी छोटी न्यूक्लियस होता है नाभिक, जैसे मान लो ये सेल है इसके अंदर ये हो गया इसका न्यूक्लियस, जो डार्क स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस कहलाती है। दूसरी चीज, वायरसेस आपको पता है प्रॉपर्टी विशेषताएं होती है, इंस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी, ये आपका मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ दिस, ठीक है। मैमेलियन जो होते हैं वो होते हैं आपके स्तनधारी, इनमें हम ही लोग आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एनी न्यूक्लियस, तो कोई भी न्यूक्लियस हो, यहाँ पर एनी लिख दिया है, सीबी ट्यूब सेल प्लांट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। मैनी फंजी एंड द एल्गी, बहुत सी मतलब फंजी हैं आपके, एल्गी हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, आपको लर्न करना है। थैंक यू।